हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई-लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटेल ऑफ द कंडीशन फ्री कॉन्सेप्ट फ्रॉड सेक्शन 17। जब भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड धोखा किया जाता है एक पक्ष के द्वारा और वह धोखा आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कर देते हैं। जैसे यहां आप देख सकते हैं, कोई आपको फोन किया कि हम आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी हुई है, आप अपना ओटीपी हमें दे दीजिए। ओटीपी दिए कि नहीं, बैंक से अकाउंट खाली हो गया। यदि आपने अपनी ओटीपी दे दी, यहां देखिए फोन के कंडीशन में आपने क्या दे दिया, फोन से मांगा ओटीपी दे दी आपका, उसने आधार मांगा, पैन नंबर मांगा, कहा हम आपको डिटेल्स भेज रहे हैं, आपके खाते में अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे जिस पर आपको लॉटरी मिली, आप हमें 6 डिजिट की 1 नंबर हमें दे दीजिए ओटीपी, जिससे हम ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अब यही फ्रॉड समझ लीजिए, क्लियर हो जाइए। फ्रॉड क्लियर होने के लिए जब आप ओटीपी दे दिए तो फ्रॉड हो गया। यदि आपने ओटीपी नहीं दिया, आप सज्जन पुरुष हैं, जानकार हैं, आज की डेट में आपसे फ्रॉड हो रहा है, आप फ्रॉड ओटीपी देने से मना कर दे रहे हैं, तो वो फ्रॉड नहीं मानी जाएगी। आप बेस्ट ऑफ द कंडीशन पे कि आपने अपने आप को फ्रॉड होने से बचा लिया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट विच इज नॉट टू बी वन हु डज नॉट टू बी ट्रू, वह सत्य नहीं है लेकिन सत्य बताई जा रही है। फैक्ट हैविंग नॉलेज बिलीव ऑफ द फैक्ट, जो आप फैक्ट नहीं है लेकिन उस पर हमें विश्वास किया जा रहा है। इंटेंशन ऑफ दी परफॉर्मिंग, हमें परफॉर्मिंग की इंटेंशन दिखा के वर्क की जाती है। एक्ट लॉ स्पेशली डिक्लेरेशन फ्रॉड, लॉ उसे पूर्ण रूप से फ्रॉड धोखा मानती है। एलिमेंट कैरेक्टर ऑफ दी फ्रॉड्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं आप देख सकते हैं। दी मस्ट रिप्रेजेंट और सजेशन एज सर्टेन विच जी मस्ट फॉल्स, अब ये मस्ट बी फॉल्स, जो आपको सजेशंस दी जाती है वो टोटली फ्रॉड या धोखा करता है। नॉलेज एग्जांपल न्यू कार परचेज ऑफ दी सेल ऑफ दी ओल्ड कार, आपको फॉल्स। अब आपने कहीं कोई शॉप पर गए, शोरूम पे गए, आपने नई कार डेंट पेंट बढ़िया से देखी, सेकंड हैंड खरीद, अब वो कार नीचे से पुरानी है, पुराने इंजन है, पुराने पार्ट्स लगे हुए हैं, आप ऊपर डेंट पेंट देखते हुए उसे आप परचेज किए, जब आप यूज किए तो पता चला ऊपर, तो ये टोटली आपके साथ फॉल्स किया गया है। नेक्स्ट कंडीशन आपके लिए फॉल्स के लिए आती है, इट मस्ट बी एक्टिव विलफुल कैंडिडेट टू फैक्ट, जो कैंडिडेट एक्टिव होता है वो अपनी दबाव के साथ विलिंगफुल के साथ फैक्ट सही साबित करने का प्रयास करता है। इंफॉर्मेशन रीचिंग अदर पार्टी कॉल कंप्लेंट अमाउंट ऑफ द फ्रॉड्स, या अमाउंट इसके अंतर्गत फ्रॉड दी जाती है। ए फॉल प्रोमाइजिंग अमाउंट इन द फ्रॉड्स, ए फ्रॉड अमाउंट से 10,000 की जगह पे आपको हम 50,000 देंगे, आप हमें इतने का गिफ्ट दे दीजिए, या इतनी टोकन मनी, या टोकन मनी लिए और लास्ट अमाउंट के लिए वो चंपत हो गया, तो ये फ्रॉड मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपके लिए, इफ एन एक्ट द ओमिशन स्पेशली डिक्लेरेशन लॉ फ्रॉडुलेंट अमाउंट टू फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट अमाउंट लॉफुल ऑफ द कंडीशन, आप देख सकते हैं सच केयर कैश केस टू बी फ्रॉड सेक्शन 55 ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट। यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज करते समय आपको 10 लाख रुपए कीमत बताई गई जब रजिस्ट्री किया गया, तो आपको उसकी वैल्यूएशन 25 लाख रिकवरी किया जा रहा, तो ये टोटल फ्रॉड है, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल या थर्ड पार्टी के माध्यम से क्लियर हुआ है उसी पर आप परचेज है, ये टोटल फ्रॉड है। या बाद में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होने के बाद भी आपसे अगर कोई डिमांड एक्स्ट्रा अमाउंट की गई है, रजिस्ट्री के समय वो बात हमें प्रेजेंटेशन नहीं की गई है, तो वो फ्रॉड मानी जाएगी। द रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी रिलेट टू बी फैक्ट, रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी रिलेट टू बी फैक्ट इन द मोर एक्सपेंसिव ओपिनियन इमिगेशन गेस वर्क हेरी, गेस वर्क हेरी मतलब एनी चांस ऑफ द वर्क,
इन द परफेक्ट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ द फ्रॉड, ये टोटल फ्रॉड मानी जाएगी। अदर पार्टी मस्ट बी हैव बीन द डिवाइस, रिप्रेजेंट डज नॉट कम टू द नोटिस, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेड इन द मिसलीड ऑफ द, प्रॉपर्टी को कोई नोटिस नहीं दी गई और उसकी कोई बातें नहीं सुनी गई और टोटल वर्क किया गया। पार्टी एक्टिंग रिप्रेजेंटेटिंग हैंड सफर्ड डैमेज ऑफ द फर्म्स ऑफ द मनी वर्थ सम अदर हार्मफुल एसेट्स, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति अगर मुद्रा संबंधी होती है और जिसकी हमारी वादे नहीं किए तो वो फ्रॉड माना जाए। फ्रॉड हमेशा किसी भी पार्टी पर जो भी कार्य किए जाते हैं वह टोटल इन फ्रंट होकर के एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपने कंडीशनल के आधार पर इन फैक्ट तथ्यों को छुपा कर की जाती है। यह सेक्शन 17 के अंतर्गत डिटेल स्टार्टिंग टू एंड आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी कॉमी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स सो मच।